सदन नसीराबाद अतिथि बहन के खातमार भी शानदार तरीके से खेला था रिजवान ने। अच्छे खिलाड़ी है रिजवान, कोशिश बहुत अच्छी थी लेकिन थोड़ी सी गेंद बाहर चली गई, नहीं अगर ये थोड़ी सी अंदर होती तो ये गोल हो सकता था और ये गोल में तब्दील हो सकता था। एक अच्छा मोमेंट, एक अच्छा जेस्ट था रिजवान का। तो फुल बदन के तरफ से नसीराबाद, उन्होंने 200 रुपए का यह पुरस्कार भेजा है कि महेंद्र का आज कोई भी खिलाड़ी अगर पहला गोल। पुरा के पास और निकाल दिया है महेंद्र के खिलाड़ी ने रिजवान को। बहुत ही जबरदस्त मैच होता हुआ पुरा वर्सेज महेंद्र के बीच, मेजबान वर्सेज मेहमान के बीच और यह हाफ साइड। मैं बता दूं कि हमारे मुख्य निर्णायक महोदय अमल कुमार जी एक अनुभवी निर्णायक है, काफी अनुभव है इनके पास, बड़ा बड़ा टूर्नामेंट बड़े बड़े मैच खिलाए हैं आप। उनके साथ में लाइन्समैन की भूमिका में अजीत सिंह जी और अश्फाक अहमद खान, पूर्व खिलाड़ी अश्फाक अहमद खान, ये दोनों लोगों के पास काफी अनुभव है। और गोल जज की भूमिका में पश्चिम जानब की तरफ कुतुबुद्दीन अहमद खान और पूर्व जानब की तरफ। अभी भी चुल्ला के हाथ में गेंद और एक लंबा दिशील अमल कुमार का फिर पश्चिम जानी बहन की टीम और लाल जर्सी में कुर्रा की टीम। ठीक, एक लंबा किक सेंटर पार करती हुई खिलाड़ी वहां फॉरवर्ड मौजूद, उसको रोकने के लिए क्रॉस देना चाहते थे लेकिन बॉल गोल लाइन के बाहर और शायद ये कॉर्नर मिला है। तो बहन को फर्स्ट हाफ में पहला कॉर्नर मिला था जिसका फायदा इस बार महेंद्र के जो कहने बहुत मजबूत का भी अच्छा और गेंद आदि खेल करता गेंद को काफी दूर से ही पास देगा। अच्छा पास दिया आपने साथी खिलाड़ी को, बैक पास दिया आदि को, आदि एक खिलाड़ी को पास दिया लंबा पास हम सब ठीक है दर्दा की होना चाहते हैं लेकिन वहां कुर्रा के खिलाड़ी ने गेंद को क्लियर कर दिया। अभी भी कुर्रा के हाथ में लंबा की गोल करने का लेकिन गेंद गोल लाइन के बाहर इस तरह से फ्री की कुर्रा उठाए एक लंबा की सेंटर लाइन के ऊपर आदि वहां मौजूद दो खिलाड़ी कुर्रा के और दो खिलाड़ी महेंद्र के लेकिन बाईपास दिया है कुर्रा के खिलाड़ी लंबा ऊंचा की आजाद शादी खिलाड़ी कप्तान को पास दिया बेहतरीन पास दिया है रिजवान को। अभी भी अच्छा Thank you.
अभी काफी मैच बचा हुआ है और शानदार मैच होगा, बहुत बढ़िया होगा और कुर्रा की कोशिश ये होगी कि एक गोल करके अपनी टीम को हम बराबरी पे लाएं, उनकी कप्तान की यही रणनीति होगी। तो एक शानदार गोल हुआ इस ग्राउंड पे और महेंद्र के खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पास देते हुए लेते हुए और वहां तक पहुंचे और एक शानदार गोल हुआ। इसका नतीजा हुआ कि 1-0 से महेंद्र आगे और एक मानसिक रूप से और इस तरह हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय ब्रजेश कुमार राय जी ने जो पहला गोल किया है उनको 1100 रुपए का पुरस्कार दिया है। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मुख्य अतिथि महोदय, स्वागत और अभिनंदन और वंदन करते हैं हम लोग हौसलों का, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 1100 रुपए का पुरस्कार और ये फुल बदन नसीराबाद, ये 200 रुपए इन्होंने भी रखा था कि जो पहला गोल करता है उसको ये दिया जाएगा। और ये डॉक्टर बंगाली साहब, इनामों की बौछार होने लगी, बरसात हो रही है इनामों की। डॉक्टर पीके मलिक साहब ने ये कहा था कि जो भी गोल होगा उसमें 200 रुपए दिए जाएंगे, वो भी इनाम आ चुका है। प्रधान प्रत्याशी इफ्तखार अहमद खान साहब ने 200 रुपए का पुरस्कार रखा था, जो भी पहला गोल करता है, जो भी टीम का खिलाड़ी, दोनों टीमों के लिए रखा था, तो ये भी इनाम आ चुका है। काफी पैसे की बरसात हो चुकी है ये पहले गोल पे तन्वीर तमी को। कुर्रा की टीम कोशिश पूरी होगी और महेंद्र टीम के अनुभवी खिलाड़ी आजाद खान को दोनों के तरफ से ये 150 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है आजाद, अपनी टीम की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, काफी मेहनत करते हैं अपनी टीम के लिए आजाद, उनके लिए 150 रुपए का पुरस्कार दोनों के तरफ से मैं दोनों के जज्बे को प्रणाम करता हूं। हर एक इनाम आया है महेंद्र के यूपी पुलिस के सिपाही जनाब इम्तियाज अहमद खान साहब ने, अगर गोल करता है तो उसको 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा उनके तरफ से। हर गोल पे अगर महेंद्र का कोई खिलाड़ी गोल करता है तो 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज है हमारे दर्शकों में जो सबसे अच्छाई है वो खेल की तारीफ होती है, खिलाड़ी की नहीं, जो अच्छा खेलता है तारीफ होता है। अभी कुर्रा अगर लेकर के बढ़ेगी तो हमारे दर्शकों का उत्साह देखिएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे दर्शक खेल को बहुत बारीकी से समझते हैं, फुटबॉल को बहुत संजीदगी से समझते हैं और एक मौका हो सकता था, बहुत ही शानदार काम किया था आदिल ने, लेकिन थोड़ी सी आगे चली गई बॉल। तो हमारे दर्शकों में ये बहुत बड़ी चीज है कि फुटबॉल को बड़ी बारीकी से बड़े करीब से देखते हैं और पहचानते हैं। तो खेल को जब मिलते हैं तो एक पूरा हिंदुस्तान दिखाई देता है, खूबसूरत नजारा इस ग्राउंड पे। अभी भी इसको महेंद्र 1-0। सोहेल भाई जो भी वक्त बचा है एक शानदार मैच होगा और कुर्रा भी ये कोशिश करेगी, इतना जल्दी वो ये नहीं चाहेगी कि हम हार माने, तो उसकी उनकी भी कोशिश होगी, उनके कप्तान की कोशिश होगी कि जितना जल्द हो सके वो हम भी करें। तो एक शानदार मैच होने की पूरी उम्मीद है सोहेल भाई। और आप देख भी रहे हैं कि कुर्रा के तमाम खिलाड़ी काफी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो 1-0 से पीछे चल रहे हैं उसको बराबरी किया जाए, लेकिन इस बीच दो गुने उत्साह के साथ महेंद्र के खिलाड़ी तनवीर के पास अच्छा पास किया है, रिजवान को एक खिलाड़ी को डाल दिया, फिर पास किया अपने कप्तान को, लेकिन उनसे गेंद को छीन लिया है कुर्रा के खिलाड़ी ने। गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए अच्छा डाल दिया आजाद को, बेहतरीन पास दिया है, ये बेहतरीन बचा, बेहतरीन बचा गोलकीपर सोलुखा। फिर एक एक महेंद्र टीम को सेंटर लाइन के ऊपर एक कैसर ने गेंद पे और इस तरह से अमल कुमार अनुभवी रेफरी। अब कोई भी खिलाड़ी महेंद्र का मारेगा गोल 500 रुपए।
डी लाइन के ऊपर ये केक लेके गेंद को क्लियर कर दिया है। अधूर कोर्रा के खिलाड़ी के पास के बेहतरीन पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को, लेकिन इस बीच आगे ले गेंद को क्लियर किया है जिला परिषद प्रत्याशी भाई प्रत्याशी है राजेश यादव। पैन टीम का कोई भी खिलाड़ी गोल करेगा तो 500 रुपया। और इस बीच ये फ्री किक नहीं है, लेकिन बिल्कुल कॉर्नर के अंदाज में ये किक मिला है और देखना है महेंद्र खिलाड़ी किस तरह से किक लेते हैं। अच्छा किक, बिल्कुल खूबसूरत किक था, लेकिन कुर्रा खिलाड़ी ने गेंद को क्लियर किया कैसर के पास के साथी खिलाड़ी की तरफ अपना पास दिया है। एक दूसरे से गेंद होता हुआ गेंद गेंद आगे पहला हाफ जारी है शादी और इस तरह से रहा है। रेफरी अमल कुमार सोनू इमरान और ये देखिए अच्छा देखा कुर्रा का के तरफ से ऐसा कोई भी खिलाड़ी गोल करता है तो 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं। और एक इनाम आया है राजेश पांडे जी नारायणपुर, जिनका हार्डवेयर की दुकान है। महेंद्र का कोई भी खिलाड़ी गोल करता है तो 200 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मैं दोनों लोगों को जज्बे को सलाम करता हूँ, उनका स्वागत उनका खैर मकदम करता हूँ। तो एक शानदार मैच होता हुआ महेंद्र और कुर्रा के बीच और अभी भी महेंद्र एक कुर्रा जीरो, ये है सूरत हाल। और कुर्रा के खिलाड़ी और कुर्रा के पास, लेकिन क्लियर करना चाहेंगे महेंद्र के खिलाड़ी और कप्तान आदिल ने गेंद को ले लिया है। अच्छा पास नौ नंबर के कम उम्र के खिलाड़ी बहुत ही तेज दोनों टीमों के पास खिलाड़ी हैं। एक तरफ कौशर है खालिद है तो एक तरफ तनवीर है आदिल है आजाद है और सबसे बड़ी चीज है जो चीन की दीवार की तरह खड़े हैं कीपर सोनू की मैं तारीफ करना चाहूंगा। अच्छे कीपर हैं और लचीला इनका बदन है, एयर में ही उड़ करके ये बताते हैं। तो दोनों टीमों के पास अच्छे खिलाड़ी अच्छा खेल है। कुर्रा के पास भी बड़े से बड़े खिलाड़ी हैं तो दोनों टीमों के पास एक अच्छी टीम लेकर के दोनों टीमें खेल रही हैं इस मैच को। तो एक शानदार मैच रिजवान सबको ये लगता है कि कैसर थ्रो जो कर दिया करते थे जो पावर उनके थ्रो में थी उनके हाथों में थी वो एक मिसाल था। एक साल आए थे इस ग्राउंड पे बहुत ही ज्यादा शोहरत लेकर के गए थे कैसर जो कुर्रा के खिलाड़ी हैं। तो बड़े बड़े प्लेयर दोनों टीमों के पास एक अच्छा मैच होने की पूरी उम्मीद। अभी भी स्कोर महेंद्र कुर्रा जीरो। दोनों टीम के खिलाड़ी अपना खेल दिखा रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, हमारे दर्शकों को पसंद आ रहा है उनका खेल खूबसूरत तरीके से। 16 नंबर की जर्सी में इस खिलाड़ी ने गेंद को बढ़ाया। एक सजी हुई टीम एक किताबी टीम कुर्रा और महेंद्र एक शानदार मैच होता हुआ दादा सत्यन स्टोनी ग्राउंड पे। सुहेल भाई बहुत ही खूबसूरत मंजर और उससे ज्यादा खूबसूरत खेल दोनों ही टीमों द्वारा बेहतरीन अपना कला का प्रदर्शन करते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी। और पहला हाफ है काफी दूर से ही कैसर का पाए पांव से लगा दिया ये किक, लेकिन उतने ही मुस्तैद
महेश शुएब ने बहुत ही बेहतरीन ठीक लगाया था। अच्छा क्रॉस दिया था वहां पर, लेकिन उर्रा के खिलाड़ी ने गेंद को क्लियर किया है कौशर के पास और बहुत ही अच्छा पास, लेकिन उनसे गेंद को छीन लिया है। महेंद्र के कप्तान पास देना चाहते थे, लेकिन उर्रा के खिलाड़ी के पैर से गेंद टकरा कर साइड लाइन पार कर गई और ये थोड़ा मिला है महेंद्र टीम। अच्छा बचाव किया था महेंद्र टीम के बेहतरीन गोलकीपर सोनू का, लंबा की उर्रा का इस बीच गेंद साइड लाइन के बाहर चलता हुआ। अच्छा पास दिया है अभी महेंद्र के हाथ पे गेंद आदिल खान, एक खिलाड़ी को खूबसूरती के साथ डाल दिया है, दो खिलाड़ी को डाल देकर पास दिया है अब तक को, फिर एक बार आदिल के पास गए, गेंद को लेकर बढ़ते हुए तमाम खिलाड़ियों को छकाते हुए साथी खिलाड़ी तकनीक को पास दिया है और मेरे गेंद को निकाल दिया है, गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए दुनिया में जान बहुत लेकिन खेल अभी बाकी है और हमारे दर्शकों को खुर्रा का भी खेल देखने को मिलेगा, उनके पास भी प्लेयर है तो कहीं ना कहीं एक शानदार मैच होने की पूरी उम्मीद है और महेंद्र की कोशिश यही होगी कि एक गोल करके और दबाव बनाया जाए, खुर्रा के ऊपर और मानसिक प्रेशर दिया जाए और खुर्रा की कोशिश होगी और जरूरी भी है खेल को फिर की भावना से आप खेलेंगे, अपना खेल का जहर दिखाएंगे, एक अच्छा मैच होगा सुहेल भाई, यकीनन एक अच्छा मैच होगा। पानी मांगते पानी क्योंकि अभी जो डिफेंस है महेंद्र का तालमेल अभी बहुत ही बेहतरीन चल रहा है, जो पासिंग टाइम का देखिए अभी भी दबाव और रेफरी अमल करा लेने के लिए महेंद्र कप्तान आदिल खान सेंटर लाइन के कुछ ऊपर और उस किक को रोकने के लिए दीवार बनाए हैं उर्रा के खिलाड़ी, बहुत ही बेहतरीन पास और अच्छा तालमेल अच्छा रिजवान खान गोल करेंगे 200 रुपया जीतेंगे। एक लंबा किक आदिल कप्तान गेंद बेहतरीन अंदाज पास देना चाहते थे लेकिन काफी फॉरवर्ड पीछे अंदर कोई फायदा नहीं और अभी भी उर्रा के खिलाड़ी के पास बॉल, अच्छा पास देने का प्रयास लेके तनवीर तनवीर के पास बॉल बिल्कुल सुहेल भाई पूरी तरीके से एक मजबूत स्थिति में महेंद्र की टीम और इस तरह के टूर्नामेंट में दो गोल मायने रखते हैं, बहुत ही शानदार गोल किया है मोनू ने, मोनू ने बहुत ही शानदार गोल किया है और कम उम्र के खिलाड़ी काफी स्पीड है इनके पास और दौड़ते हुए एक बांस की तरह आए और गेंद पे पड़े और कामयाबी दिलाई अपनी टीम को, काफी खुश होंगे महेंद्र टीम के कप्तान।
अपने खिलाड़ियों का जौहर देख करके, खेल देख करके, लेकिन मैं बताऊं कि कुर्रा की भी टीम एक सजी हुई टीम है, एक जबरदस्त टीम है। और ये दोनों अरमान काफी कम उम्र के खिलाड़ी, काफी स्पीड है, अच्छा खेल है। मैं कही रहा था कि दोनों टीमों के पास अगर खेल है, नए लड़के हैं, और ये कुर्रा के खिलाड़ी गेम को लेकर के चलते हुए, और ये कोशिश थी, लेकिन काफी कम उम्र के, और इस तरह क्लियर ना रहला था, जीरो था महेम दो कुर्रा जीरो। बहुत ही शानदार मैच होता है अरमान, जिस तरह का उम्मीद था क्वार्टर फाइनल मैच होने का, उसी तरह का मैच होता हुआ दादा नसर खान स्पोर्टिंग ग्राउंड पे। काफी पसंद कर रहे हैं हमारे दर्शक, दर्शकों में उत्साह, और महेन को मजबूती मिली है। दो जीरो की बढ़त से इस मैच को महेन खेल रही है, और कुर्रा को तलाश होगा कि किसी तरीके से गोल करके अपने टीम की फासले को कम किया जाए। और महेन के खिलाड़ी बहुत ही मजबूत खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी महेन के, अच्छा पास कुर्रा का, कुर्रा के खिलाड़ी, और ये ऑफ साइड। मैं अपने मुख्य निर्णायक महोदय के बारे में बता दूं, उनकी नजरों से बचना नामुमकिन है, आप बच नहीं सकते। अगर कहीं भी गलती होगी तो पांच की तरह नजर है हमारे अमल कुमार जी की, और वो अपने नजरों से देख लेते हैं अपनी कमियों को, खिलाड़ी की कमियों को पकड़ लेते हैं। बहुत ही अनुभवी निर्णायक है हमारे अमल कुमार जी। कुर्रा और महेन के बीच ये चलता हुआ मैच, महेन दो कुर्रा जीरो, कप्तान आदिल। पूरी सजी हुई टीम, और ये कुर्रा के खिलाड़ी, उनके पास 16 नंबर के बहुत ही तेज दरार खिलाड़ी, 16 के हर खिलाड़ी चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहा है। दोनों टीमों के खिलाड़ी चुस्त हैं, और कोशिश यही है कि गोल हमना महेन का यही कोशिश होगा कि गोल न खाने पाए। बहुत ही 16 नंबर के खिलाड़ी, बहुत ही तेज और मजबूत खिलाड़ी। स्कोर महेन दो कुर्रा जीरो। मैं दर्शकों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग ग्राउंड में न जाएं, डिसिप्लिन को आप कायम रखें, जो एक तरीका है